कॉमेडी रतन नूरा वाली एंड वीआईपी जी ऑफ कोर्स बिकॉज़ ये लोग लेजेंड हैं बॉलीवुड के. और सबसे अच्छी चीज़ है इस इंडस्ट्री का एक कहानी रही है कि नए लोग को वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन इन लोग की वजह से इंडस्ट्री ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है. थैंक्स यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे आए. मुझे यहाँ पे आपने सबने ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरी यहाँ पे विनोद मैम भी है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अभिनेत्री जो श्रद्धा कपूर रही हैं और दिव्यांका त्रिपाठी, उन सबको उन्होंने कथक से ट्रेन किया है, तो उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ है. तो आई एम रियली थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेरे ऑफिस की ओपनिंग में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. और दूसरी बात यह है कि सारी फैमिली को इकट्ठे करने वाले जो शैलेश पटेल हैं, मुंबई रफ्तार शैलेश भाई, शैलेश पटेल हैं, ही इज द ओनली सोर्स एंड हमेशा ये नाम ही एसपी है तो क्या करें. पुष्कर है एसपी मतलब सुनील पाल और शैलेश पटेल, पटेल जी हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे. मुंडे जी आए हैं साथ में, कभी कभी मुस्कुराते हैं 6 महीने में 3 बार. शोज होते हैं और हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इरम्स एंटरटेनमेंट की, उन्होंने पूरा काम किया पिछले 3-4 महीने से लगे हुए थे. वी हैव रजिस्टर्ड दिस, वी टुक दिस कॉपीराइट आल्सो. ये एक अवार्ड शो है जो कि कभी नहीं हुआ है और ये उन लोग के लिए, ये उन लोग को समर्पित है जो बड़ी बड़ी फिल्में हिट हुई हैं उनके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सबको मिला, लेकिन एक स्पॉट बॉय को नहीं मिला, उसी सुपर डुपर हिट. एक नैनी को नहीं मिला जो एक हीरोइन के बच्चे को संभालती है, एक सिक्योरिटी, एक बाउंसर, इन सब के लिए ये अवार्ड शो. और हम हमेशा से कुछ ना कुछ नया करते आए हैं, तो मैं हमेशा जैसे हमारे टीवी सीरियल में कुछ होता है ना, कुछ नया होता है ट्विस्ट, तो मेरे भी इवेंट्स में हमेशा कुछ नया नया ट्विस्ट होता है. तो दिस इज माय थिंग एंड थैंक्स टू आगम कुमार निगम सर जो लेजेंड है और ये और भी लेजेंड हमारे साथ हैं आज. इरम्स एंटरटेनमेंट को बहुत ही बहुत ही बहुत ही फख्र की बात है कि आप सब लोग हमारे साथ हैं. और आगम साहब के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, ये हर जगह नहीं जाते, ये जहाँ जाते हैं वो जगह खास हो जाती है. थैंक यू सर. एक पिक्चर प्रेजेंटेड फॉर योर अवार्ड्स, दैट्स अ डेट हमने अभी, वी आर वर्किंग ऑन डेट, मोस्ट प्रोबेबली 4th of November को होगा. और अभी हम देख रहे हैं कौन से बड़े से अच्छे से होटल में हम कराएंगे एंड दैट विल बी लवली विद द गुड क्वालिटी. एंड आप सबको पहले से इनवाइटेड है, आप सब थैंक यू सो मच. मेगन सर के आने का बहुत-बहुत शुक्रिया. आप सामने देखना देना चाहेंगे आज ऑफिस के ओपनिंग में क्या करना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे. शुभकामना है इसलिए यहाँ पर हैं, आप लोगों की भी शुभकामना है, हमारी भी हैं, सत्यनारायण भगवान जी की भी हैं, सब शुभ शुभ हो. अशुभ तो देख लिया 2-2.5 साल से, तो अशुभ ही देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का, इसलिए मिस्टर चैंग बनाई. तो अभी शुभ ही हो, सब अच्छा ही हो, सबका अच्छा हो, हमारी इंडस्ट्री फले, वर्कर्स को काम मिले. बहुत बहुत प्रॉब्लम देखी है सब ने भाई, तो बस हम यही चाहते हैं कि शुभकामनाएँ हैं, अच्छा काम और क्या. इरम जी के वर्क को कैसे देखते हैं आप? ये आवाज़ कहाँ से आई? यहाँ से आई, यहाँ से. ओ हेलो, हेलो. अनदर मेकिंग ऑफ एकता कपूर, बुलाइए इरम जी को.
मैं तो मुंह पे बात कहता हूँ। मैडम मैम, मैंने बोला अनदर मेकिंग ऑफ एकता कपूर। और ये सही बात है, इस टेबल पे बैठ के मैं इनकी तरफ, क्योंकि ये वैसी पैशनेट है जैसे मैं एकता को जानता हूँ और एसोसिएट रहा हूँ। जो बात समझ में आ गई आ गई, जो नहीं समझ में आया वो कभी नहीं समझ में आया। तो ये है, इंसान को हमेशा पैशनेट होना चाहिए अपने काम से, तब जाकर अपना चाहे कोई भी रिजल्ट हो, यू ट्राई योर बेस्ट। जैसे टीम्स होती हैं वैसे लाइफ होती है, यू गिव योर बेस्ट एंड शी इज दैट। एज है, खूबसूरत है, दिमाग है, जज्बा है, एक अच्छे प्रोडक्ट्स को पहचानती हैं, एक अच्छी टीम को पहचानती हैं, आगे लेके चलती हैं, कहानी की समझ है, लोगों की तकलीफ़ों की समझ है। ये सिर्फ ये फिल्म मेकिंग में ही नहीं है, ये देख लो इनका सोशल वर्क भी कितना है। ये खाली एडवर्टाइजिंग के लिए थोड़ी करती है, लोगों की हेल्प करना, लोगों की तकलीफ करना, चैरिटी कितना करना, खाना वाना ये करना, तो क्वालिटी है भाई। कौन से काम की बात करें सब, शी इज़ गॉड ब्लेस हर फॉर हर वेरी गुड वर्क। ऑफिस इरम प्रोडक्शंस का आज यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है, मैं उसके आगे के करियर में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ हमारे करीबी मित्र बड़े भाई सुनील पाल जी यहाँ पर है, वो भी उनको शुभकामनाएं देने आए हैं। हम सब उसके मोटिवेटर है, हम कोई गेस्ट नहीं है, हमारे साथ हमेशा इरम रहती है। उसके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इरम जी सामाजिक काम तो करते ही हैं, अभी अभी जस्ट 3 मिनट पहले इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है जो इंडस्ट्री में जिन्हें अनदेखा किया जाता है, ड्राइवर है या फिर क्रू मेंबर है, उनको ये सम्मानित करेंगे, ये पोस्टर है, उस बात क्या कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर वो ऐसा, ऐसे बहुत से लोग हैं इंडस्ट्री में जो बहुत काम करते हैं और वो पर्दे पर आते नहीं। जैसे हाथ पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो सेट बनाते हैं, कारपेंटर्स हैं, कैमरामैन हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं उन्हीं लोगों का नेतृत्व करता हूँ, हाथ पर काम करने वाले लगभग 80-90 हज़ार फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को मैं नेतृत्व करता हूँ। अच्छी सोच लेकर इरम काम कर रही है, मेरी हमेशा ही अच्छे सोच लेकर काम करने वाले लोगों के साथ में शुभकामनाएं। मेरे साथ में सुनील जी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा ही लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो हमेशा उनके फील्ड के लोगों को, लोगों में वो पहुंचते हैं। और ये अच्छी सकारात्मक भावना लेकर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। ये इंडस्ट्री में जब हम बढ़ते हैं तो दूसरे को भी बढ़ाना चाहिए, ये भावना सब में होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम ऑफ इन इंडिया, इट्स गोइंग टू हैपन। हमारी R&D किया है, हमारी कंपनी जो इरम्स एंटरटेनमेंट की टीम ने पूरा R&D किया है और वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू टुडे ऑन 24th of June 2022 अभिजीत दादा हैं और हमारे सुनील पाल जी हैं। तो मैंने अनाउंस भी किया है कि ये पहली बार अवार्ड शो हो रहा है इंडिया में और वो उनके लिए है जो पर्दे के पीछे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सेक्रीफाइस किया है, चाहे वो एक एक्ट्रेस की नानी हो, चाहे वो बाउंसर हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, हमारे जो दरवाजे उन सबके लिए खुले हुए हैं। वी वांट टू अप्रिशिएट यू ऑल, थैंक्स फॉर गिविंग अस दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, थैंक यू ऑल। इरम जी के लिए मेरी यही गुड विशेज है, देखिए ऑल द बेस्ट। और दूसरी बात ये है कि ये लोग आते हैं यहाँ पे नए नए लोगों को, और बहुत सारे होते हैं प्रोडक्शन वाले, गरीब से अमीर से सब सब लोगों को मौका देते हैं, उनके घर चलते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है कि हम, मैं मतलब एज अ एक्टर इन लोगों का स्वागत करती हूँ और बोलती हूँ कि वेलकम, आइए, सबको काम दीजिए, सबको सबको काम मिलेगा तो सबके घर चलेंगे, घर चलेंगे तो सब खुश होंगे, छोटे से लेके बड़े सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनका इंतज़ार होता है ऐसे ऐसे लोगों का जो आए और हमारा करियर बनाए। और मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, कुछ नया स्टार्ट करें। फर्स्टली थैंक यू इरम फॉर इन्वाइटिंग अस, एंड इट्स रियली अ प्लेजर एंड ऑनर। एंड आज जो उनके ऑफिस इनॉग्रेशन में आए हैं बहुत खुशी की बात है, एंड शी इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड शी इज़ गिविंग जॉब्स टू सो मेनी आर्टिस्ट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। एंड आई स्काई इज़ द लिमिट, सो आई विश इरम फरीदी जी रीच मोर एंड मोर हाइट्स एंड कीप डूइंग द ग्रेट सर्विस यू आर डूइंग, थैंक यू। सबसे पहले इरम जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। अभी भी हमारा शो हुआ था 19 जून को एडिक्शन फैशन एंड ड्रीम्स अचीवर अवार्ड KGM ड्रीम्स एंटरटेनमेंट की तरफ से,
उसमें इरम जी हमारी इधर सेलिब्रिटी गेस्ट थी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था और आज हम यहाँ पर हैं उनके प्रोडक्शन हाउस के इनॉग्रेशन में. सो ऑल द बेस्ट इरम, डू वेल, एंड एज कविता सेड, स्काई इज द लिमिट. एज एन एक्टर आई फील इट, आई एम विद यू वेन एवर इट. थैंक यू. थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी साथ मेरी जो फिल्म आने वाली है तो आप उस फिल्म को ज़रूर देखिएगा एंड उनका ऑफिस खुला तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. इरम जी ने ऑफिस खोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर और उनका वो तरक्की करे और अच्छा चलता रहे, बहुत शुभकामनाएं देते हैं. आज उनके ऑफिस की ओपनिंग हुई. मैं चाहूँगी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड आई वॉन्ट हर टू ग्रो मोर एज वो बहुत ही मेहनती है. भगवान उनकी हर मूवी को सक्सेस करते. इनके काम को किस प्रकार से मैम आप देखती हैं? बहुत ही सिंसियर है और बहुत ही पर्टिकुलर अपने काम के लिए. और कोई आप इनके साथ कुछ करने वाले हैं? आप फैशन से हैं और इनकी फिल्म इंडस्ट्री है और फिल्म बना रही है, कुछ जुड़ने वाली उस तरह से? यस, इनके नेक्स्ट मूवी जो है रिंकल्स, उसका कॉस्ट्यूम कर रही हूँ मैं. जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं फर्स्ट टाइम नाम क्या था इरम फरीक जी को मिली हूँ और बहुत अच्छा लगा. और उनकी कमिंग जो मूवीज आ रही है उसके लिए हम बहुत ही एक्साइटिंग है कि हम देखें और मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फिल्म को रिस्पॉन्स मिले. और आज उनको मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे आके बहुत ही बहुत नए नए लोग से मिलना हुआ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुभकामना. मैं आर्य प्रिय एक्टर और आज का जो ये फंक्शन था ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा था और शानदार जिसे कह सकते हैं. उनको मेरी शुभकामनाएं उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए और बहुत ही जहीन और बहुत ही जिसको इंटेलिजेंट लेडी है, बहुत कुछ नया करेंगी. तो मेरी ये शुभकामनाएं दिल से आप सभी को. थैंक यू सर. थैंक यू. शुक्रिया. यस रोल. सर जी क्या कहना चाहेंगे आज इरम फरीदी जी का ऑफिस रीओपनिंग है? नमस्कार, मेरा नाम राज पाटिल, पेशे से मैं एक्टर हूँ और जिस ऑफिस के ओपनिंग के लिए हम लोग आए हैं उसका नाम है इरम्स एंटरटेनमेंट, जिसकी प्रोड्यूसर है इरम जी, इरम फरीदी जी. और इन्होंने अभी एक मूवी बनाई है मीट मिस्टर चैंग करके, तो उस मूवी में मैंने भी काम किया हुआ है. चार ही आर्टिस्ट है, चार में से मैं भी एक हूँ और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने चुना है. और जिस मौके के लिए हम लोग सब यहाँ आकर उन्हें दिल से शुभकामनाएँ बधाई दे रहे हैं, वो मौका ये है कि ये रीओपनिंग है, आप जिसको बाउंस बैक कह सकते हैं. क्योंकि बीच में आपको पता है कि जो सारे हालात चल रहे थे उसमें से बहुत सारी प्रोडक्शंस कंपनी या तो बंद हो गई या तो कुछ टाइम स्पैन के लिए, अभी उन कब खुलेंगी वो पता नहीं. लेकिन इस हालात में फिर से बाउंस बैक करना, ये मुझे ऐसे लगता है कि इरम जी का एक बहुत बड़ा कदम है. और जैसे कि मैं पहला नहीं हूँ यहाँ उनको शुभकामनाएं देने वाले, मुझसे भी पहले बहुत सारे लोग यहाँ आके दिल खोलकर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं. और एज एन आर्टिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि इरम जी को मैं भी दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि जो उन्होंने गियरअप किया हुआ है वो उसमें सफल हो और आने वाले दिनों में वो बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट जो उनके पास है वो कैमरे में कैद हो और लोगों के सामने रिलीज हो ताकि लोग भी अच्छे सब्जेक्ट देख पाए. वो एक अवार्ड फंक्शन शुरू करने जा रही हैं जो क्रू मेंबर्स को दिया जाएगा. हाँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी पहले ये पोस्टर अगर आपको चाहिए तो आप तुम्हें दिखाऊंगा एकदम. ये जो है फिल्म क्रू अवार्ड्स, ये इरम एंटरटेनमेंट्स के बैनर के तले ये अवार्ड्स अभी फिल्म के क्रू मेंबर्स को दिए जाएंगे. अब जब हम लोग कैमरे के सामने काम करते हैं तो हमें दुनिया पहचानती है हमारे चेहरे से, हमारे शक्ल से. अभी तो ऐसे भी ट्रेंड है कि डायरेक्टर्स भी एक्टिंग करने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रू के मेंबर होते हैं जिन्होंने उस फिल्म को या उस सीरियल को या डॉक्यूमेंट्री को, शॉर्ट फिल्म को या बिग फिल्म को, जो भी हो, उसके लिए रात और दिन एक किए होते हैं, लेकिन उनका कहीं नाम या जिक्र नहीं होता. ऐसे क्रू मेंबर को याद करके
उनका सम्मान करना, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा कदम है जो इरम जी ने उठाया है। और वाकई में ऐसे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, होते रहेंगे और होने चाहिए, ताकि उन क्रू मेंबर को भी ये लगे कि यस वी आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। धन्यवाद। प्रोड्यूसर ऑफ इरम एंटरटेनमेंट, सबसे पहले ये जो सफ़र रहा इरम एंटरटेनमेंट का, ये बहुत ही बहुत ही स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही प्लानिंग से और बहुत ही परफेक्शनिस्ट से और बहुत ही सिस्टमैटिकली सफ़र रहा। और आज हम वापस यहाँ पर घेराव के लिए आए हुए हैं, और भी न्यू शुरुआत, हमारा न्यू ऑफिस है मुंबई का, इसके पहले भी हमारे ऑफिस थे, लेकिन हम वापस से घेराव हो रहे हैं विद न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू थिंग्स, फिल्म्स हो गया, इवेंट्स के थ्रू हो गए। और हमारा भी जो मीट मिस्टर चैंग रिलीज़ पे है, पहले हम फेस्टिवल्स में दिखाएंगे ताकि लोगों को तक पहचान हो कि हमने किस टॉपिक पे फिल्म बनाई हुई है। उसके बाद में हमारी आने वाली और दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से फिडोरा स्विंकल एक फिल्म है और दूसरा फिल्म स्क्रू अवार्ड है। फिल्म स्क्रू अवार्ड के बारे में मैं आज, इसका पोस्टर लॉन्च हमने यहाँ पर किया हुआ है, तो इसका कहने का ये मतलब था कि फिल्म क्रू अवार्ड्स ये हम उनको देना चाहेंगे जो एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना, हमारे इसमें जो लेबर का काम करता है, और वो जैसे लाइट दादा बेस्ट लाइट दादा, जो सुबह से रात तक लाइट में गर्मी में मरते हैं, ठीक है, स्पॉट दादा हो गया, जो दिन भर चाय बना के चाय बांटना पूरा रनवे करते हैं, रनर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो एक्टर्स सिक्योरिटी करते हैं, मेकअप हैंड हेड दादा होते हैं, कैमरा अटेंडेंट होते हैं, आप जैसे मीडिया वाले अटेंडेंट होते हैं, तो आप लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन कोई रिकग्नाइज नहीं होता कि भाई एक फिल्म बनाने के लिए कम से कम हज़ारों लोग होते हैं उसमें, लेकिन हमें लगता है कि एक फिल्म सिर्फ लोगों को लगता है एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बनती है, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया को मालूम पड़े, हमारे देश के लोगों को मालूम पड़े कि कितने लोग इसमें काम करते हैं, और उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो फिल्म क्रू अवार्ड के थ्रू हम इन लोगों को सम्मान देना चाहते हैं, मान देना चाहते हैं। बस छोटी सी एक पहर है, छोटी सी एक है जो हम करना चाहते हैं, एक प्यार मोहब्बत अपने जो साथ में काम करते हैं भाई लोग के लिए। और मैं आप मीडिया लोग का शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पर और हमें आप लोग ने मान सम्मान दिया, इतना आपने कवरेज लिया है, थैंक यू। जय हिंद। मैं शुभकामना दूँगा इरम फरीदी को, जिनका ये अभी ये प्रोडक्शन हाउस हमने खोला है, और इस मैं ये भी कहना चाहूँगा इस कंपनी का मैं क्रेडिट प्रोड्यूसर भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूँ इस ऑफिस को खुलने से। सर, एक अवार्ड शो होने वाला है जो फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं जिन्हें अनदेखा किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को अवार्ड दिया जाएगा, उस बारे में क्या बोलना चाहिए? हाँ, वो है हमारा क्रू अवार्ड 2022। ये अब तक का फर्स्ट टाइम जो अवार्ड हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये इसके पहले कभी नहीं हुआ था। लाइक जिसे कहते हैं ना कि बिहाइंड द कैमरा, या जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, या किसी को पता ही नहीं कि बिहाइंड द कैमरा कितने लोग, कितनी डिपार्टमेंट काम करती है, तो उनको हम नवाजेंगे इस अवार्ड से। और जहाँ तक हो सकेंगे जो काबिल है, जिनको जिन तक ये पहुँचना चाहिए वो तक, उन तक हम पहुँचाएंगे ये अवार्ड। इरम एंटरटेनमेंट के आज ऑफिस की ओपनिंग हुई है, और साथ साथ में हवन और सत्यनारायण की पूजा भी है, और मैं चाहता हूँ इसी तरह मेरी सिस्टर और हमारी फिल्म आने वाली आगे बढ़े, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे, बस दुआ करो कि सक्सेस हो जाए बस, और क्या। हाँ, एक अवार्ड फंक्शन भी हो रहा है जिसमें हम लोग, जिनको कोई पूछता नहीं है फिल्म लाइन में, डायरेक्टर हो गया या पुराने एक्टर्स हो गए या मेकअप मैन हो गया या ड्राइवर हो गया, उसको हम फेलिशिएट कर रहे हैं। इसमें से हम खाली 30 अवार्ड कर रहे हैं, लेकिन 30 अवार्ड के लिए हम, जैसे अमिताभ बच्चन का कोई मेकअप होगा, मेकअप मैन, वो आज नहीं है उसके पास, आज उसको कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको फेलिशिएट कर रहे हैं। तो सेलिस जी, ऐसी क्या वजह है जिस तरह से आप इरम जी के साथ हमेशा ही बैकबोन बनके जिस तरह से साथ में सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, किस तरह देखते हैं उनको, किस तरह से वो एक्टिव अपने वर्क को लेकर के आप उनके साथ उनके सपोर्ट में खड़े हैं? ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहन, आपका सवाल तो अच्छा है, लेकिन आप भी मेरी बहन है, इरम भी मेरी बहन है, एक्चुअली उनको कैसा है ना, एक सपोर्टिंग और एक भरोसा वाला बंदा चाहिए, जो शायद उनको मुझ में दिखा, इसके लिए हमेशा मुझ पे भरोसा जताती है कि भाई आप ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, हमें ये करना है, तो अभी देखो आपके सामने है, भरोसा है और आप लोग का साथ है, थैंक यू सो मच। एंटरटेनमेंट के इनोग्रेशन में आया हो और इरम फरीदी मालिक करे, उगरवाला करे कि खूब
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और अपने जो मिशन इन्होंने लिया है उसमें कामयाब हो। इनका एंटरटेनमेंट जो इवेंट कंपनी है वो खूब अच्छी चले और हमको बुक करें। कि GCC के लिए इंशाल्लाह जल्दी हम जब भी परफॉर्म करेंगे तो सर तो मेरी फर्स्ट चॉइस है और सर हमारे बहुत बड़ी बात होगी कि सर अगर आएंगे हमारे शो में। बहुत बहुत हम जी जैसी हस्ती यहाँ पे आई हैं आपकी और हमारे सुनील पाल जी, सुनील पाल आज यहाँ पर है, इसकी दुगनी खुशी है मुझे कि इरम एंटरटेनमेंट ने हमें बड़े दिनों से हम लोग मिले नहीं थे। चलिए इसी बारे में मिल गए। थैंक यू इरम, आपके लिए इसके लिए शुक्रिया। और मैं बहुत ज़्यादा आज मेरे लिए स्पेशल डे 24 जून 2022 आज एकादशी है, लोग शायद कहते हैं पर गलत नहीं, हमने आज भवन भी रखा था और सबसे हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगम सर आ गए। अरे थैंक यू सो मच सर फॉर पार्टिसिपेशन।